बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। यह गौतम बुद्ध की जयंती है और उनका निर्वाण दिवस भी। इस साल 26 मई को यह पूर्णिमा है। इस दिन गौतम बुद्ध जी का जन्म पूर्व नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म का नाम सिद्धार्थ गौतम था। गौतम बुद्ध एक आध्यात्मिक गुरु थे जिनकी शिक्षाओं से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। बौद्धों के लिए बोधगया नामक स्थान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बोधगया के अतिरिक्त कुशीनगर, लुम्बिनी तथा सारनाथ भी अन्य तीन महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया तथा उन्होंने पहली बार सारनाथ में धर्म की शिक्षा दी। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन त्याग, तपस्या और बलिदान का मूर्त रूप है। उनकी शिक्षाएं साकार कर इंसान भलाई के रास्ते पर चल सकता है। जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। गृहत्याग के पश्चात सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए वन में भटकते रहे। यहाँ उन्होंने कठोर तप किया और अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इस विहार का महत्व बुद्ध के महापरिनिर्वाण से है। आइए जानते हैं राजकुमार सिद्धार्थ कैसे बने बुद्ध। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में घूमने के लिए घर से निकले। कड़ा पारा होने पर भी पता नहीं कैसे कुछ लोग मुर्दे को उठाकर ले जाते दिखाई दिए। मुर्दा कपड़े में लिपटा और डोरियों से बंधा था। मरने वालों के संबंधी जोर जोर से रो रहे थे। उसकी पत्नी छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसके अन्य परिजनों का बुरा हाल था। राजकुमार ने साथी से इस रोने पीटने का कारण पूछा। उसने बताया कि जिस कपड़े में लपेट कर और डोरियों से बांधकर चार जने उठाकर चल रहे हैं, यह मर गया है। रोने वाले इसके संबंधी है, इसे स्मशान में चला दिया जाएगा। यह सुनकर राजकुमार के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसने पूछा, यह मर क्यों गया? सारथी ने कहा, एक न एक दिन सभी को मरना है। मौत से आज तक कौन बचा है? राजकुमार ने सारथी को रथ लौटाने की आज्ञा दी। चौथी बार बगीचे में घूमने जाते हुए राजकुमार ने एक सन्यासी को देखा। उसने भरी प्रकार गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। वह आनंद में मग्न चला जा रहा था। राजकुमार ने साथी से पूछा कि यह कौन जा रहा है? उसने बताया कि यह सन्यासी है। इसने सबसे नाता तोड़कर भगवान से नाता जोड़ लिया है। सिद्धार्थ राजमहल में लौटकर सोचने लगा, बुढ़ापा, बीमारी और मौत, इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है? दुख से बचने का क्या उपाय है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी उस आनंद मग्न सन्यासी की तरह क्यों न बनूं? इन्हीं दिनों सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम रखा राहुल। कुछ दिन बाद रात के समय सिद्धार्थ चुपचाप उठ खड़ा हुआ। पहरेदार से एक घोड़ा तैयार करने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने सोचा कि
सदा के लिए राजमहल को छोड़ने से पहले एक बार बेटे का मुंह तो देख लूं। शिशु को साथ लिए यशोधरा महल में सोई थी। सिद्धार्थ ने सोचा कि अगर मैं यशोधरा के हाथ को हटाकर पुत्र का मुंह देखने का प्रयास करूंगा तो वह जाग जाएगी, इसीलिए अभी पुत्र का मुंह नहीं देखूंगा। जब नैनवान हो जाऊंगा तब आकर देखूंगा। सिद्धार्थ महल से उतरकर घोड़े पर सवार हुआ। उसने चंदक को अपने साथ लिया। सिद्धार्थ और चंदक अनिमा नदी के तट पर आ गए। वहां पर खड़े होकर सिद्धार्थ ने चंदक से कहा, तू मेरे गहनों और घोड़े को लेकर वापस लौट जा, मैं तो अब सन्यासी बनूंगा। फिर सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से अपने सिर के लंबे बालों को काट डाला। सच्चा ज्ञान पाने के लिए सिद्धार्थ इधर उधर भटकते रहे। फिर उरुबेल में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगे। कौंडिन्य आदि 5 लोग भी भिक्षु बनकर उनके साथ उरुबेल में रहने लगे। कठिन तपस्या करते हुए उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसका सुंदर शरीर काला पड़ गया। एक दिन तो वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। तब उसने सोचा कि शरीर को सुखाने से मुझे क्या मिला, इसलिए उसने फिर भिक्षा मांगकर भोजन करना शुरू कर दिया। 6 वर्ष की तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तब वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ है जिसे बोध अर्थात ज्ञान हो गया हो। उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन कैसे करें पूजा। घर में दीपक जलाकर पूजा करें और घर को फूलों से सजाएं। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी रोली या कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और गंगा जल छिड़के। बोधि वृक्ष के आसपास दीपक जलाएं और उसकी जड़ों में दूध विसर्जित कर फूल चढ़ाएं। गरीबों को भोजन और कपड़े दान करें। इस दिन स्नान जप और तप का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ऐसा स्नान जप तप और दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है तथा धन वैभव की प्राप्ति होती है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।